जन्म होने के बाद ही इंसान का जाति धर्म का निर्धारण होता है। बड़े होते समय उसका आचरण ही उसका भविष्य का रास्ता बताता है। घर में बढ़ने वाला बच्चा अगर शमशान में बड़ा होगा तो उसका क्या होगा? जमाना बदल गया है, इंसान भी बदल गया है, मन के हालात भी बदल चुके हैं। ऐसी आत्मलोकन वाली ये कहानी है। सब कुछ जल जाता है मगर इंसान का शरीर पूरी तरह से नहीं जलता बाबा। तू मुझे डराएगा? हे अघोरी, यहां कहीं से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है, हैं? तू क्या बताएगा, पत्थर की तरह बैठा है। मैं भी बेवकूफ हूं जो तुझसे पूछ रहा हूं। कहां से बच्चे के रोने की आवाज आ रही? कहां से आ रही है पता नहीं। हे भगवान, ओ शिव शिव शिव। बेटा बेटा रो मत बेटा, रो मत बेटा, रो मत बेटा। हे बेटा रो मत, रो मत, रो मत। लोग मरने के बाद यहाँ आते हैं, तू पैदा होते ही आ गया। कैसा नसीब है रे तेरा, है? किसका बच्चा है बताओ रे शिव जी। रो मत बेटा, रो मत। कोई है क्या? ओ, कोई है? कितना सुंदर है बेटा, रो मत। ए शिव जी, क्या है ये सब? इस शमशान में मेरे हाथ में बच्चा दे दिया, तेरा ही नाम रखूंगा इसका। वीरबाहू। आज तुम्हें कोर्ट जाना है, तैयार हो जाओ। ये लो पहनो। चलो आगे बढ़ो, आगे चलो, 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 लाइन चलो, में चलो, लाइन से आगे बढ़ो, अच्छे से काम करो, चलो चलो, वहाँ देखो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, ठीक से क्या कर रहे हो यार, हाथ नहीं लगा रहे हो, तेज काम करो, जल्दी जल्दी काम करो, ए चल। चल उतर। देखिए मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, मुझे बात करने की इजाजत नहीं है। प्लीज आप लोग हटिए, प्लीज हटिए, रास्ता छोड़िए, रास्ता छोड़िए, प्लीज प्लीज हटिए, रास्ता दीजिए, प्लीज जाने दीजिए, प्लीज हटिए, हटिए। वीरबाहू, वसुंधरा जी की शादी में जाने के लिए कोर्ट तुम्हें इजाजत देता है।
नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आइए। नमस्ते। 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 सुनिए, लड़के वाले आ गए होंगे, उन्हें लेने जाइए। अरे उन्हें लेने गया तो यहाँ आने जाने वालों को कौन देगा? आराम से जाना, हमारा देना। हाँ जी, बोलो। जो भी मेहमान आएंगे उन सबको संभाल लेना। हाँ 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 हाँ, तू सब संभाल लेगा ना? हाँ जी जी, संभाल लूंगा। पापा पापा। क्या हुआ बेटी? आपको बड़ी माँ बुला रही है। क्या बात है? लड़के वालों को लेने जाना है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। लक्ष्मी सुनो, दादी को लेकर आओ। ठीक है माँ? सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। आपको ही ढूंढ रही थी दादी, तुम जरा ध्यान रखना। अरे रहने दो। अरे ठीक से रहेगी तो सब लोग पूछेंगे ना कि ये लड़की कौन है। दादी मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। आ हा हा हा, मैं भी पहले ऐसे ही थी, शादी के बाद सुधर गई। ठीक है चलो, लड़के वालों को लेने जाना है। ओ, हाँ। चलो चलो चलो। इस देवी से तुम प्यार करते हो ना? नहीं, पूजा करता हूं। अगर तूने प्यार किया होता तो तुझसे पक्का शादी करती, पर तूने पूजा किया इसलिए किसी और से शादी कर रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उससे शादी करना चाहते हो? ये उस देवी का है, उसने मुझे दिया था, मुझे नहीं चाहिए, उसे लौटा दूंगा। ये प्यार नहीं, पूजा कब से शुरू हुई? बचपन से ही। बचपन से मैंने अपनी माँ को कभी देखा नहीं था। मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहते थे कि देवी भी तुम्हारी माँ की तरह थी, वो मेरी माँ की तरह मुझे खाना खिलाती थी, दोस्त की तरह मेरे साथ खेलती थी, पाठशाला के एक शिक्षक की तरह वो मुझे पढ़ाती थी, सपनों में आकर वो मुझे सताती थी। देवी। हाँ? अरे बच्चे हैं, इन्हें थोड़ी पता क्या सही क्या गलत। हमें तो पता है ना। वीरू वीरू, क्या हुआ? मेरे पिताजी मुझे उनकी बहन के गांव भेजने वाले हैं। पर क्यों? पढ़ाई के लिए। तो फिर तुम कब आओगी? मुझे नहीं पता। मुझे पढ़ना लिखना कौन सिखाएगा? इसे रख लो, अपने आप सब सीख जाओगे। फिर से भागने की कोशिश करेगा? हवा से ये उड़ गया था, इसलिए इसे लेने आया था। देवी मेरा इंतजार कर रही होगी, उसे ये लौटाना है। ये पंख उसने ही दी? क्यों दी? ताकि मुझे दिमाग आ जाए। अच्छा तो वो बचपन में चली गई थी, फिर वापस नहीं आई क्या? अरे क्यों नहीं आएगी, शहर में किसी के साथ उसका प्यार हो गया, अब वो उससे शादी कर रही है, और ये महाशय उस लड़की को शादी पे आशीर्वाद देने के लिए जा रहे हैं। मोर का पंख किसे दिया है और शादी किसी और से कर रही है? अच्छा भाई, वो देवस्थान की है और तुम शमशान के, फिर ये पूजा शुरू कैसे हुई? वही तो अजीब बात है, भगवान जीने के लिए किस किस को कहां कहां भेज देता है। मुझे शमशान में भेज दिया, खाना समाधि के ऊपर रखा होता है, मैं लाशों को दफनाता हूँ। देवस्थान की वो निवासी मेरे दिल में एक अजीब सी आस लगा गई। चलो भाई उठाओ उठाओ, ले चलो। भाई साहब, हम लोग लाश लेकर आ गए।
लाश आ गई क्या? लेकर आओ, लेकर आ। किस कारण की वजह से ये मरा? उसकी बीवी ने ही उसे गला दबा कर मार दिया। ये तो बहुत ही अच्छा किया। हाँ, उसकी बीवी ने उसे मार दिया? कैसी कैसी औरतें इस जमाने में। अरे कुंटल लक्ष्मी को हमने यहीं पर दफनाया था ना, उसे भी यहीं लेकर आओ, दोनों मिलकर अच्छे से संसार बसाएंगे। यही पंडित है, शादी करवा के देगा। देखो ठीक है ना, उनकी बॉडी सुला सकता है ना, उसको लाके यहाँ पे सुला दे। है चल हो गया, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, लेकर आओ जल्दी, लेकर आओ, यही काम है हमारा रोज का। चल 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 अपना काम करते हैं, चल। कैसे रो, देखो शमशान में रेशमी कपड़े पहन के आई है। पहनने दो, अंतिम समय में सब उतर जाती है। बाबूजी, बाबूजी इन लोगों से पैसे मिलने के बाद मुझे एक कमलगट्टा, एक गले की चैन, एक बताशा और एक सत्य हरिश्चंद्र की फिल्म देखनी है मुझे। ए, वो जो पैसे देंगे ना उससे बताशा भी नहीं मिलने वाला है, और तू हरिश्चंद्र फिल्म देखना चाहता है? बाबूजी मैं देख के रहूंगा। यहाँ क्रियाक्रम तेरा दादा करेगा। कुछ अच्छा चीज खा लेना बेटा। और आप शराब पीते हो, उसका क्या? तेरी तो, तुझे भी तो शराब पिलाता हूं मैं। जुबान लड़ाता है। मुझे बता जा चाहिए। बैठ तो सही, वो देंगे तब तो दूंगा। ए, पैसा देके जाना। ऐसे नहीं बोलने का, यहाँ मौत हुई है ना, मौत हुई है किसी की? हम तो रोज ही देखते हैं ना बाबूजी। डालो मिट्टी, डालो डालो मिट्टी, डालो, जल्दी 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 करो। चेहरा देख लिया ना आप लोगों ने? भी देख लिया ना? हाँ ठीक है ठीक है। लाइए मालिक, लाइए लाइए। मालिक कपड़ा वहाँ रख दिया है, शुरू करो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अपना रमन्ना का बेटा समन्ना, जैसे चल बसा तो उसके सारे भाई और उसकी बहन लोग, उसकी बहन लोग, उनके वंश के लोग, उसके सभी लोग मिलकर हमें ये दान दिया है, तो उसी खुशी में उनकी आत्मा की शांति के लिए और इनकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अभी आप सब लोग घर जाइए महाप्रभु, 3 दिन के बाद अस्थि विसर्जन होगा। मुड़कर मत, सब लोग यहाँ से आ जाइएगा, जाइए जाइए, चलो अपने अपने घर जाओ। नारियल उठा, वो फल भी उठा, वो नींबू 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 ले, नींबू नींबू डाल दे। अरे जाओ जाओ, देख क्या रहा, चलो जाओ चलो जल्दी, दुख में है ना, ऐसा जाओ जाओ। 10 20 30, अरे बाबूजी इधर लाओ, बहुत ही कम दिए इन लोगों ने, अगली बार इनके क्रियाक्रम में हम नहीं आएंगे। अरे कम है, ऐसा नहीं बोलने का, मुझे बैठ बैठ। देख किसी की मौत हुई है ना, उसकी अर्थी सजाते हैं, फिर उसे दफनाना पड़ता है, दफनाने के लिए जगह चाहिए, श्रृंगार करने के लिए फूल, नारियल, हल्दी, कुमकुम, अगरबत्ती, ये सब चाहिए है ना, फिर ताशा बजाने वाले, फिर इस शमशान की जरूरत पड़ती है, फिर यहाँ रखने के लिए हमारी जरूरत पड़ती है ना। देख बेटा, एक मरता है तो इतने लोगों का पेट भरता है, और देख बेटा ये जो है ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा जिंदगी भर, है ना। ये ले रख ले, मना नहीं करने का, रख ले रख ले रख ले। बाबू जी मुझे थोड़ा ज्यादा ढो। देख बताशा, कमल गट्टा ले लेना, बाद में तुझे मैं सिनेमा दिखाऊंगा, ठीक है? हाँ। जब तू पैदा हुआ था तो पौधा था, बड़े होकर पेड़ हो गया है तू बेटा। हाँ, मेरी बात सुना, यहीं पे बैठना, हिलना नहीं। हाँ, मैं आता हूँ। जब तू पैदा हुआ था तो पौधा था, अब तू पेड़ हो गया है, अब तू पेड़ हो गया है। क्या है? अरे क्या है बोलना। क्या हुआ? मुझे समाधि बनानी है। पैसा है क्या? पैसे पैसे तो मेरे पास नहीं है। अरे क्या, पैसा नहीं है तो क्यों आई है? बढ़िया आई। ऐसा मत करो वीर बाहू, मेरे बच्चे की समाधि बना दो। बच्चे की? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजम्मा है। बापूजी कहते हैं कि कभी कभी भगवान भी आंखें बंद कर लेता है, वो बात अभी सच हुई। क्रियाक्रम मैं कर दूंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे पैसे, नहीं चाहिए, मैं समाधि बना दूंगा, आप रोइए मत। Oh, my God.
बाबूजी, इस आश्रम के बेटे को भगवान ने परेशान होकर उठा लिया है, लेकिन अगली बार इसे पुण्यवान माँ के पेट से महाराजा बन के पैदा होना महाप्रभु। 3 दिन बाद घी दूध का कार्यक्रम है। जाओ 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 जाओ, 3 दिन के बाद आना। जाओ जाओ जाओ, मैं कर लूंगा सब। आका ठीक है। हाँ भाई, इधर आ। कितना है इसमें? भाई 60 है। 10 कम है इसमें। कैसी बात कर रहे हो भाई, मैंने बराबर डाला है। वो अपना माप दे के आ जा। जा जा ठीक है जा। देखा भाई, 3 ग्लास पीने के बाद ये हमें बेवकूफ बनाता है, क्या समझता है ये अपने आप को? हैं इधर आ, ला डाल इसमें, डाल। अरे डाल ना, ये ला। देखा देखा, 10 कम है भाई, ये पकड़ ले जा, फुल करके जा। ठीक है। अरे हम लोग अंधेरे में इंसाफ ढूंढते हैं और ये हमें बेवकूफ बनाएगा है? भाई अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, तो आप न्याय को कैसे ढूंढ लेते हैं? अमावस का मतलब क्या होता है? अंधेरा। न्याय देवी की आंखों में पट्टी बांधी हुई है, वो अंधेरे में न्याय ढूंढती रहती है, हम भी अंधेरे में न्याय ढूंढते रहते हैं। आपका पूरा बराबर पैक। अब सही है, मेरी आंखें देख कर ही माप लेती हैं, समझा? आगे से बेवकूफ नहीं बनाने का। चल भाग। कैसा भाई, मार क्यों रहे हो? भैया पानी तो डाल लो। पानी की कमी है भाई, कमी इस्तेमाल करे तो अच्छा है ना, इसी पी बात लेते तो सही है। हमें कम पीना है, बाकी लोगों को देना है। चलता समझ के जाना भैया। चलता। ये क्या पर्दा डाल के नाटक कर रहा है तू? है दिंगी तक्का दिंगी तक्का, ओ दिंगी तक्का दिंगी तक्का दिंगी तक्का, ओ ओ ओ ओ सुगना नंजी। मैं अरे कहाँ जा रहे सुगना नंजी? भेष नहीं चाहिए, देश नहीं चाहिए, ऐसा किसी ने कहा था। शादी नहीं करनी है, ऐसा भी किसी ने कहा था। आप क्या कहते हैं सुगना नंजी? तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, जीजा जी को मत बताना। हम तो शमशानवासी लोग हैं, आप शीर सागर में जीने वाले लोग हो, हमारा आपका क्या मेल है बताइए? धर्म का वजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप बार में धर्म के बारे में सोच रहे हैं? कुछ मंगाऊं क्या आपके लिए? जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, नमस्ते नमस्ते। किसी को मत बताना, मत बताना किसी को, जा रहा हूँ। मैं किसी को क्यों बताऊंगा कि कौन कैसा है, वो ऐसा है, दुनिया वैसी है, फिर आगे क्या है कौन जाने, सब वैसे ही है। हे अमावस, यहाँ क्या फुकट में मिलता है? ओ मालिक मालिक मालिक, नमस्ते मालिक, दया मालिक, दया दया मालिक, दया। ए, ए, पहले इधर आ, नौटंकी नहीं, चल पैसा निकाल। ये तो लाश के ऊपर का पैसा है, ये तो पत्थर है मालिक, आप भी छोड़िए ना मालिक, आप भी जाने दीजिए मालिक। दया मालिक, ज्यादा नाटक मत कर, चल निकाल। मालिक मालिक दया, चला जाऊंगा मालिक, दया दया। वीरू वीरू, रात बड़ी है या दिन बड़ा है, अंधेरा है दिन है रात है, अभी तक जाग रहे है क्या तू? इधर आओ, आओ बाबूजी। भूख लगी है क्या? क्या हुआ बोलना? मेरी माँ कौन है बाबूजी? ऐसा क्यों पूछ रहा है तू? गांव वालों के लिए तो उन सब की माँ है ना, मेरी माँ मुझे क्यों शमशान में छोड़कर चली गई थी बाबूजी? मुझे ना सारे गांव वाले अनाथ कहते हैं, लावारिस बोलते हैं, थूकते हैं, तू तो दलिंदर है, अपना चेहरा कभी मत दिखाना, ऐसा बोलते हैं। मेरी क्या गलती है बोलो ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? मुझे मेरी माँ ने जन्म ही क्यों दिया? जाने दे बेटा जाने दे, पता नहीं क्या मुसीबत थी उसके ऊपर, जाने दे। अगर वो कहीं आपको मिल जाए तो मेरे पास लाना, मैं खुद उससे पूछ लूंगा। देख ये 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 धरती हमारी माँ है ना? हाँ ये धरती ही हमारी माँ है, ये धरती हमें औरों की तरह पैदा करके कहीं बाहर नहीं फेंकती है, जब तक हम जिंदा हैं अपने गोद में रखती है और मरने के बाद भी अपने साथ सुला लेती है हमें। सच में यही है हम सब की असली माँ। चल पैर पकड़ ले, चल। मैं तो आपके पैर पकड़ूंगा। ठीक है बाबा, ठीक है ठीक है। बाबूजी आपने कहा था ना देवी भी हमारी माँ की तरह ही है। हाँ कहा था ना, वो भी माँ जैसी है। तो फिर वो कब आएगी? आएगी, वो खाना बना के देगी ना। हाँ बना कर देगी, तेरे चेहरे पर पाउडर भी लगाएगी वो। वीरू, देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। ए वीरू, उठा उठा वीरू,
कितनी देर सोता है तू? ए वीरू, क्या है? वीरू, देवी गांव में आई है। कौन सी देवी? अरे देवी वीरू, वो कितनी बड़ी हो गई है पता है? बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखती है वो। अरे चुप रहो, वो तो छोटी है तो फिर इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो सकती है? ए, तुझे कुछ याद नहीं है क्या? अरे जब वो छोटी थी तो तू कितना बड़ा था रे? तेरे इतना ही तो था। तो फिर इतना बड़ा कैसे हो गया तू? अच्छा वही है क्या? तेरे बाबा की कसम वही है यार। हा? अभी वो कहाँ है? मंदिर आने वाली है। तो चलो ना चलते हैं। रुक, ऐसे चड्डी पहन के जाएगा तू? अरे कोई लाश भी तेरी तरफ नहीं देखेगी, समझ गया ना? दादी फूल लेते हैं। हाँ हाँ चलो, गेंदे का फूल दे। कितने हो गए भैया? हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवी मैं आ रहा हूँ। देवी मैं वीर बाहू, कितनी बड़ी हो गई हो तुम? याद आया तुम्हें? तुमने मुझे बचपन में मोर का पंख दिया था। देवी तुम तो भी सच में देवी बन गई हो। तुम जिस दिन आओगी उस दिन अपने सर पे नारियल फोड़ूंगा, ऐसी मैंने मन्नत मांगी थी। तुम मुझे बचपन में एक पहाड़ पर ले गई थी और तुमने मेरा और तुम्हारा नाम लिखा था, वो वहाँ पर अब भी है। बात पे लिखा था। अरे इसे क्या हुआ? तुम और मैं देवी, देवी कैसे गिर गए? देवी देखो गिर गए। क्या हुआ देवी? देवी देवी इसे हुआ क्या? मेरी बच्ची क्या हुआ देवी? अरे क्या हुआ इसे देवी? बेहोश क्यों हो गई दीदी? चलो जल्दी चलो, इसे किसी डॉक्टर के पास ले चलो। मालकिन, मालकिन, देवी, अरे मालिक आप यहाँ हो क्या? दीदी को जाओ, क्या हुआ? जाओ से क्या हुआ? अरे क्या हुआ देवी को? hey, कौन है तू? अरे मैं हूँ अमावस का बेटा। बचपन में मुझे ये छोड़कर गई थी, ये लौट कर आएगी तो मैं अपने सर पे नारियल फोड़ूंगा, ऐसी मैंने मन्नत मांगी थी। वो फोड़ता था कि बेहोश होकर गिर पड़ी। मालकिन, मालकिन, अरे पानी लाओ, पानी लाओ, मैं डालूंगा इस पे। hey, उसे मत देना, उसे मत देना। क्यों? शमशान में रहने वाला न जाति न धर्म का पता है, मेरी बेटी को छूकर अपवित्र कर दिया, अभी बस इस घर में घुस गया है। चल 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 बाहर निकल। क्यों धक्का मार रहे हो? तूने उसे छुआ कैसे और उसके साथ तेरा क्या रिश्ता है? अच्छा तुम लोग रोज मंदिर जाते हो, तुम्हारे और भगवान के बीच में क्या संबंध है? वही हमारे बीच है। हाँ चल निकल, चल निकल, निकल, नहीं तो मारूंगा। मेरे घर के पास आ जाना। ओ मंगलम भगवान विष्णु। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे 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 क्या कर रहे हैं? अरे तुम्हारे के साथ पूजा भी होनी चाहिए। अरे जवान लड़की को ऐसे गोद में उठाकर ले आया है, गली में देखने वाले लोग क्या सोचते होंगे? ये तू क्या बोल रहा है? इस उम्र में मैं उसे उठाकर ले आती क्या? उसने तो बस मदद की है। उसने क्या गलती की बताइए? खामखा चिल्ला रहे हैं। अरे सोने की चैन जितनी भी पुरानी क्यों ना, उसे पैरों में नहीं पहन सकते। चप्पल चाहे जितनी भी नई हो, उसे सर पर रखकर नहीं घूम सकते। देखो जिसे जहाँ जहाँ रहना चाहिए उसे वही रहने दो। पहले जाओ और घर की शुद्धि करो और इसकी शुद्धि करो। दिमाग खराब करके रखा है सबने। चल अंदर। माँ जी, चप्पल चाहे कितना भी नया हो उसको सिर पर लेकर नहीं घूम सकते, जीजा जी ने कहा। तो श्री राम जी का चप्पल भरत जी अपने सिर पर लेकर क्यों घूम रहे थे? अरे वो थोड़ी दूर तक ले गए थे, उसके बाद उन्होंने उसे सिंहासन पर रख दिया था। चप्पल को वहां भी रख सकते हैं क्या? रुक, अरे रुक, अगली बार तुझे इस एरिया में देखा ना काट के फूटी फूटी कर दूंगा। ओ शास्त्री जी, नारियल उसके सर पर फेंका था, अभिषेक आपका हो गया। अब शास्त्री मुंह बंद कर, ऐसी पवित्र जगह को गंदा कर रहा है तू, वो भी हमारी जाति का होकर। तुझे तो शर्म आनी चाहिए, अधर्मी हो गए हो तुम। इस जगह पर इस जहर को पीने के लिए तुम लोग
सुबह शाम मेहनत करते हो ताकि उसे पी सको। hey, बस कर, बहुत हो गया। तेरे मुंह से सिर्फ मंत्र निकलना चाहिए। अगर ज्यादा जुबान चलाएगा तो उसे काट कर फ्राई करके प्लेट में लोगों को खिला hey, दूंगा। तू देख लेना, तेरी इस दुकान को इस गांव से खाली नहीं करवा दिया तो मेरा नाम वेंकट रमन शास्त्री नहीं। hey, शास्त्री, सरकार भी कहती है पिएगा तो मरेगा, लेकिन लाइसेंस भी देती है, ये पता है ना? बड़ा आया मुझे ज्ञान देने वाला। hey, अपने जीजा को समझा दे। हाँ? मेरे सामने मंत्र पढ़ने आएगा ना तो उसकी बोटी काट कर फ्राई कर दूंगा। जाने वाला जाएगा, आने वाला आएगा, सबको जाना है। नमस्ते नमस्ते जी, क्या चल रहा है और टैक्स कलेक्शन कैसा है? कितनी बार कहा है तुझसे ऐसा मत कहो, तू टैक्स वसूल नहीं करता क्या? मेरी मिट्टी का एहसान है, सुलाते ही खत्म हो जाता है। तुम्हारी आंखों का एहसान है, जितना सुलाती उतना ही ज्यादा होता है। वहाँ टैक्स भरेगा तो सरकार निशान लगाती है, यहाँ के टैक्स से सरकार को लेना देना ही नहीं है। बहुत बोलता है रे तू। ऐसे ही होता है। कलम्मा, चलता हूँ। ठीक है साहब। उग्रम साहब जी, लगता है कोई स्पेशल ड्यूटी करने आए थे। क्या बोला? वो कलम्मा के पास कुछ लेने आए होंगे। भिखारियों की तरह हर जगह चलाता है ये। बड़ा शरीफ बना घूमता है बाहर। कौन है ये? मैं अमावस हूँ, जो गए वो साहब थे। साहब हो चाहे कोई भी हो, यहाँ आने वाले सब एक जैसे होते हैं। अरे जाना, हंस क्यों रहा है? ए भाई चलना, अरे बहुत देर हो गई, चल आगे चलते हैं। क्यों रे, तू भी आज यहाँ पीने आ गया? बाबूजी के लिए है। इसे दे दे भाई। हाँ वही दे दो मालिक, जो अभी आपके हाथ में है। हाँ वो नहीं, अरे वो वाला, वो पियेंगे तो उनको उल्टी हो जाएगी। लाओ लाओ। हाँ चलता हूँ मालिक। है ये, 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 ये। हाँ? पैसे तो देकर जा। हाँ अरे हाँ, अरे वो किसी का पति मर गया था ना तो उसकी विधवा ने पैसे कम दिए थे। निकल गए। एक मिनट, थोड़े अंदर फंसे। ये लो मालिक, इससे आचार ले लूंगा। हाँ हाँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे सुनो भाई, कपड़ा मुंह पर ढककर कहाँ जा रहे हो मालिक? भागो, कटवा दो आपसे मिलने। जाना भाई, विस्की चाहिए या फिर रम? एक मिनट रुक जाना, वहीं पर रुको मालिक। ऐसे छुप छुप कर कहाँ जा रहे हो बताओ? जाना, अरे जाना, अरे जा जा जा, चलो चलो मेरे साथ चलो। रुक, अरे आओ ना। क्या कर रहा है? जा जा यहाँ से। अरे आओ तू से। छोड़ मुझे, छोड़ छोड़। क्या कर रहा है? छोड़ आओ ना। अरे छोड़। ये कौन सा नया काम शुरू कर दिया मामा? ये तो इनका पुराना काम है, रोज आकर शराब पीते हैं। तू चुप रह। असल में मैं यहाँ पर किसी से मिलने आया था। बार में किससे मिलने आया था? नरसिंह मां से। तू चुप रहना। वो क्या है देवी कि मैं यहाँ पर किसी से मिलने आया था, लेकिन यहाँ पर तो औरतें नहीं आती हैं, तुम क्यों आई हो? जाओ ना यहाँ से, जाओ जाओ। नहीं छोड़ूंगी, चलिए पिताजी के पास। वो देखो कौन आया, कौन आया, चलते। अरे यहाँ पर मामाजी रुकिए। छोड़ मुझे। छोड़ तू, ये जो बोतलों का लॉस हुआ वो क्या तेरा बाप भरेगा? एक तो जहर बेच रहे हो और उसका भी पैसा भरूं मैं? चुप हो जा, अब तक तेरा बाप सुना रहा था, अब तू सुना रही है मुझे? चल चुपचाप पैसे निकाल। अरे कहाँ जा रही है? यू? हाँ? छोड़ो।
मैं कंप्लेंट लिखवाने आया हूं, क्या हुआ? सामने क्यों नहीं लिख रहे हो? चल जा, मैं होम मिनिस्टर को जाकर होम मिनिस्टर को जानता है, चल जा यहां से। नमस्ते सर, भाग भाग यहां से। ओहो, क्यों रे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या हुआ सर? क्यों रे, इस लाशों को दफनाने वाले से झगड़ा कर रहा है तू? क्या बात है, मुझे मार रहे हो और उसे बिठाकर सम्मान दे रहे हो? कितना पैसा दिया साहब इसने आपको? अरे नहीं नहीं साहब, क्या उल जलूल बक रहा है तू? इसने मुझे पैसे दिए? हाँ दिए दिए, क्या कर देगा तू? नरसिम्हा, तू मुझे कंप्लेंट लिख कर दे, फिर देख मैं इसकी क्या हालत करता हूँ। देवी के इसने कपड़े फाड़े, ऐसा जब पूरा गाँव आकर आपको बताएगा तभी आप इसकी कंप्लेंट लेने वाले हो क्या? तू उठ, उठ जा तू, उठ उठ। क्या कहा? सारा गाँव लिखेगा, ये ले लिख, अपने हाथ से कंप्लेंट लिख लिख। हाँ ठीक है, लिखता हूँ। मुझे लिखना नहीं आता साहब। तुझे तो लिखना भी नहीं आता है और मेरे सामने इतनी होशियारी दिखा रहा था तू? ए, मैं चाहूं तो यहीं पे तेरी तकदीर लिख सकता हूं, अगर एक बार अंदर गया ना जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। क्यों रे, घूर क्या रहा मुझे ऐसे? घूर क्या रहा तू मुझे ऐसे? पागल ने पूरा दिमाग खराब कर दिया आपको साहब, बिच्छू काट लिया। कुछ नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं बोला। तू मर के मेरे यहाँ पे आ जाओ, मैं तुझे दफनाऊंगा ही नहीं। क्या बोला तूने? मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा बोला साहब। नस काट के मंदिर के सामने बैठा दूंगा मैं इसे। क्या साहब, आप मेरे बेटे का नस क्यों काटेंगे? इसने कौन सा पाप कर दिया? क्या क्या बोला, क्या बोला तू? कौन सी गलती की है? बाबू जी को मारा। चुप, बैठ जा, बैठ जा वहाँ पे, बैठ, 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 बैठ। ये ऐसा ही है साहब, कोई मेरे ऊपर हाथ उठाए तो ये उसका खून पी जाएगा, नहीं छोड़ेगा उसे साहब। ये ऐसा ही है, ये इतना बड़ा हो गया है, ये मेरा खून पिएगा। ए तू निकल, तू निकल बाहर, निकल बाहर। साहब इसके साथ कुछ मत कीजिएगा, इसे बाहर निकालो। साहब इसे कुछ मत कीजिएगा, बाहर निकल, कुछ मत कीजिएगा, इसे बाहर निकालो। बदमाश कहीं का बातें सुनता है। क्या हुआ भाई? अरे आज की गुंडागिरी के सामने गांधीगिरी कैसे चलाओगे? हम चलाएंगे, आप चुपचाप बैठो। पुलिस डाउन डाउन, पुलिस डाउन डाउन। तू भी ना, शर्म नहीं आती? वहाँ जहर पीने चला गया था, क्या हो गया है तेरे दिमाग को? हाँ, और देवी तुम तो एक लड़की हो, तुम्हें भी इतनी अक्ल नहीं है क्या कि मर्दों से भरे बार में ऐसे कैसे चली गई तुम? वहाँ तुम्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं क्या होता। तेरे जीजा को आने दे। दीदी दीदी दीदी, मेरी बात सुनो दीदी, एक बार माफ कर दो, दोबारा वहाँ कभी नहीं जाऊँगा दीदी। जीजा जी से मत बोलिएगा दीदी। अगली बार ऐसा किया ना तो तू जाने और तेरा जीजा। नहीं नहीं, क्या भाई, सबके सामने उस लड़की ने आपको थप्पड़ मारा भाई। ये क्या है? मोर का पंख। जानती हूँ, लेकिन यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे अकल नहीं है, बोला था ना। सही तो कहा था। तुमने बचपन में मुझसे कहा था कि एक मोर का पंख रख लो तो इससे तुम्हें बुद्धि आ जाएगी, इसलिए आज मैं ज्यादा मोर के पंख लाया हूँ ताकि मुझे ज्यादा बुद्धि मिल जाए। इतने से भी नहीं होगा, तुम्हें और लेकर आने होंगे। ऐसा है तो फिर एक काम करूँ। क्या? 5-6 मोरों को पकड़ के लाऊं। साथ में 3-4 बकरियों को भी पकड़ ले आना। पकड़ कर लाऊंगा तो उसे काट कर खा लोगी ना? इमैच्योर फेलो। देवी देवी इधर आओ, बैठो ना। क्या है? फिर से बोलो। इमैच्योर फेलो। फिर से कहो। इमैच्योर फेलो। क्या? इमानचोर पलाव। हाँ वही, सिर्फ शरीर बड़ा है, दिमाग नहीं। पचास पैसे वाले मास्टर। किस कमीने ने मुझे 50 पैसे वाला मास्टर कहा? मैंने कहा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम उठो उठो मास्टर जी। वीर बाहू देखो, 50 पैसे का मास्टर, 50 पैसे का मास्टर कह के मेरी 4 पैसे की इज्जत मत उतारो। मेरा नाम वेंकन्ना मास्टर है। हाथ हटा। वेंकन्ना मास्टर अब सही है। क्या बात है? ईमान चोर पलाव का मतलब क्या है? ये क्या है? इमान चोर पलाव। मैं मटन पुलाव जानता हूँ, चिकन पुलाव जानता हूँ, वेजिटेबल पुलाव जानता हूँ। ये कौन सी पुलाव है? देवी की। देवी की? मैं उसका पीछा कर रहा था इसलिए उसने मुझे पास बुलाकर इमान चोर पलाव का तो उसका मतलब जानने के लिए आया हूँ। समाधि पर केले रखते हैं, मंदिर में भी केले रखते हैं, कमाल की बात है। अरे ये क्या दादी, ऐसे सांप की तरह फुसफुसा क्यों रही हो? मुझसे ये नहीं होगा। अरे पैरों से तो चलना ही है ना। क्या कहा? अरे तुम कहो तो मैं तुम्हें उठा कर ले चलता हूँ।
अरे ऐसे क्यों देख रही हो, मैं तुम्हारे पोते की तरह ही तो हूँ। वो तो ठीक है, मगर तू नहीं उठा सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहा कर आई हूँ। अच्छा ऐसा क्या? तो मुझे भी तो नहाए हुए एक महीना तीन दिन पूरे हो गए, बस ये साफ शरीर गंदा हो गया है। लेकिन बाबूजी कहते हैं कि शरीर साफ रहे ना रहे, लेकिन दिल साफ होना चाहिए। वैसे दादी आपकी गाय हमारे शमशान में आती है और रोज आकर बड़े मजे से घास खा लेती है, तो उसका दूध तो तुम पीती हो, तो वो दूध अपवित्र नहीं होता क्या? बात तो सही है। बाबूजी ने कहा था कि तुम्हारा दिमाग आ गया है। वीरू मुझे उठा कर ले जाओगे? हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो जल्दी चलो। वीरू तुमने मुझे उठाया है, ये किसी को बताना? हाँ बिल्कुल नहीं, तुम भी किसी को मत बताना। नहीं नहीं मैं किसी से नहीं। अरे दादी साल में तुम लोग इतने दिनों तक उपवास तपवास रखती हो, फिर भी इतना वजन कैसे हो गया आपका? अरे छोड़ो मैं अभी उतर जाती हूँ। छोड़ दूँ क्या? नहीं नहीं दादी, अरे छोड़ो छोड़ो मुझे। ये मैं उठा लेता हूँ। आ रही हूँ दादी। आ रही हूँ। क्या मंदिर में आई हो? आपका उपवास है क्या? आ रही हूँ। अरे तू क्यों आगे बेटी? क्या हुआ दादी? कुछ नहीं, ये मिला है ना, इससे बात कर रही थी। देवी इसे भी खाने के लिए कुछ दो ना। अरे ये प्रसाद नहीं है, आज मेरी दीदी का बर्थडे है। कौन सा डे? बर्थडे। बर्थडे मतलब जन्मदिन। जन्मदिन जो ये क्या कर रहे हो तुम? अरे दिख नहीं रहा है क्या? तुम्हारा बर्थडे है तो उस भगवान के सामने उल्टी पलटी कर रहा था तुम्हारी खुशी के लिए। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कहीं पत्थर से सिर टकरा कर फट जाता तो? मैं अकेले कैसे मरूंगा देवी? जीऊंगा तो तुम्हारे साथ, मरूंगा तो भी तुम्हारे साथ। नॉनसेंस देवी। देवी रुको ना, बात करने का तरीका भी देवी। मैंने सही बोला ना, मैं नहाता नहीं हूँ। आज इतना पानी शरीर से निकल रहा है, ज्यादा पानी निकलेगा तो किसी तालाब में जाके भर दूंगा। नरसिम्हा भाई ये क्या इतनी जल्दी दरवाजा बंद कर दिया? कहाँ से मंगाया ये सब लकड़ी है? उठ बे, उठ, पहले अपना काम कर। क्या हुआ नाटक भाई? नहीं करने का, आधे घंटे में सब खत्म हो जाना चाहिए। चुपचाप काम कर, अगली बार आऊंगा तो पूरा चीर दूंगा ना भाई। हाँ 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 कमीनो, शमशान में पैसे नहीं मिलेंगे तो गड्ढा खोदोगे तुम लोग? एक बात तो तुम्हें पता है ना, हरिश्चंद्र ने भी अपने बेटे को जगह नहीं दी थी, अपनी बीवी से पैसे लिए थे तब जाकर जगह दी। छोड़ देना, मुझे तो डर लग रहा है कहीं इसके दो टुकड़े ना कर दे। भाई अनजाने में गलती हो गई, माफ कर दो। कमीने तूने मुझ पर हाथ उठाया था ना भाई, वो पुरानी बात है, छोड़ दो ना। तो पैसा क्या तेरा बाप भरेगा? भाई अब देखो ना कैसा जमाना आ गया, मैं क्या करूँ, एक भी लाश नहीं आई, तीन दिन हो गए कोई मरा नहीं। अब तुम बाबूजी को तो जानती हो ना, उनकी तो आदत ही है, उनको छोड़ो ना, मैं पैसे ला कर दूंगा। पहले पूरा काम खत्म करो फिर जाओ। दिल वाले हो भाई। बाबूजी आप हटो, मैं लकड़ी तोड़ता हूँ। भाई अच्छे अच्छे लोगों की मौत हो जाती है, मगर अपने गांव में बुरे लोग ऐसे ही जी रहे हैं। अरे आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप तो अच्छे इंसान है। चल जा अपना काम कर, शाम का हिसाब लिख लेना। मैं अभी लकड़ी तोड़ता हूँ। अमावस, तुम्हें एक बात पता है? नहीं पता है, बताइए। वो जो शास्त्री जी की बेटी है ना, उसकी शादी तय हो गई है। शास्त्री जी तो अंदर उसी के बारे में बात कर रहे थे, मैंने सुना। किसी ने कहा था मरते दम तक साथ दूंगा और उसके लिए अपनी जान दे दूंगा। पता नहीं आज कितना पिएगा। जाने दो क्या कर सकते हैं नसीमा भाई। क्या कर सकते हो मतलब? जानते हो अमावस, मैं जिस लड़की से प्यार करता था अगर उससे कोई और देखता था ना, तो मैं उसे तोड़ देता था। आप भी ना। जो देवी से शादी करेगा वो उसे लेकर जाएगा ना। शादी करेगा तो लेकर ही जाएगा ना। देवी को अगर कोई लेकर गया तो उसकी गर्दन काट दूंगा। अरे जल्दी चलो, जल्दी चलो, चल। कौन हो तुम लोग? चलो साइड में हो जाओ। कौन है ये लोग, क्या चाहिए इन्हें? अरे ये देवी को देखने जो आ रहा है वो लड़का यही है क्या? अरे देवी को देखने के लिए तुम ही लोग आए हो क्या? हाँ। देवी पसंद आई क्या पूछ? ऐसा पूछू क्या? हाँ। ए, देवी पसंद आई क्या? पर क्यों भाई? उसे लेकर जाएगा क्या ये पूछ?
उसे अपने गांव लेकर जाओगे क्या? गांव ले जाने के लिए ही तो शादी कर रहा हूँ। देवी को ले जाने नहीं दूंगा, देवी मेरी है, मैं उससे शादी करूंगा, उसको ऐसा बोल। देवी मेरी है, देवी तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा, शादी नहीं करने दूंगा, समझे? थू। अरे ऐसा क्यों? मैं जीऊंगा मरूंगा देवी के साथ ही, ऐसा बोल दे, बोल। ऐसा ही बोलूं क्या? हाँ, मैं जीऊंगा तो देवी के साथ, मरूंगा तो देवी के साथ। देवी हमेशा से मेरी है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, उसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। देवी मेरी है, देवी मेरी है, देवी मेरी है। ए पागल कहीं के, चलो साइड हो जाओ। तूने हमें पागल बोला? देवी हाँ। भी वीरू से प्यार करती है। हाँ। माँ बाप की डर की वजह से वो किसी को बता नहीं पा रही है। अगर तूने उससे शादी की तो दूसरे दिन तुझे छोड़ के वो भाग जाएगी, समझ गया? हाँ। बड़ा आया पागल शादी करने वाला। शादी करेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ हमेशा गलत बर्ताव किया है शास्त्री जी। मेरे भी आपके जैसे माता पिता होते तो मैं भी ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? मेरा जन्म इस बार में हुआ है, इसीलिए ना मेरी बुद्धि ठीक है ना भाषा। आज के बाद मैं बदल जाऊंगा। देखिए मैं अपनी दुकान भी बंद कर रहा हूं। देखो नरसिम्हा, की हुई गलती के प्रायश्चित से बड़ी सजा और कोई होती ही नहीं है। तुम में ये बदलाव देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कल तुम्हारा बुरा वक्त था इसलिए तुम बुरे थे, लेकिन आज तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है इसलिए तुम बदल रहे हो। मैं चलता हूं। ठीक है शास्त्री जी। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? वो क्या है ना, क्या क्या हुआ है? बोल दो क्या? रुको रुको, वो क्या है? नहीं हो रहा है, डर लग रहा है। बोल बोल बोल। अरे बोल ना। तुम वहाँ क्या देख रहे थे? कहाँ? कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें कुछ दिखाने लाया था। क्या दिखाना है? ये क्या कर रहे हो तुम? क्या बकवास है ये? तुम्हारी तो क्या समझ रखा है मुझे? ये कोई बच्चों का खेल है क्या? तुम्हें पता भी है तुमने ये क्या कर दिया है? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? हाँ गलत है। हाँ गलत ही है। छोड़ो मुझे। आओ ना मेरे साथ आओ। छोड़ो। देखो दिख रहा है यहाँ किसका नाम है? देवी तुम्हें याद है क्या? तुमने बचपन में मुझे यहाँ लाकर हम दोनों का नाम लिखा था। अब जब तुमने मेरा नाम यहाँ पर लिखा है और साथ साथ में अपना भी नाम यहाँ पर लिखा है, देवी तुम सपनों में बच्ची बनकर आकर देखती थी तो कितनी अच्छी लगती थी, मुझसे बात करती थी, लेकिन देवी तुम शहर में जाकर पढ़ लिख कर बहुत बदल गई हो। ए, ये बकवास बंद करो। बचपन में अगर मैंने ये लिखा भी था ना तो वो तुम्हें पढ़ाने के लिए। अच्छा ये बताओ, जब तुम रोते थे तो मैं तुम्हें चुप कराती थी, लेकिन ये तो माँ भी करती है। तुम्हारे आंसू आते थे तो वो मैं पोंछती थी, पर ये काम तो दोस्त भी करते हैं, तुम्हें कैसे समझ में आएगा? अच्छा मैं तुमसे प्यार करूं, ऐसा कौन सा गुण है तुम में? हाँ जब तक मैं जिंदा हूँ शमशान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं, पर तुम तो सारी जिंदगी शमशान में ही बिताने वाले हो। इन दोनों में फर्क नहीं नजर आता? हाँ मिस्टर वीरो, एक आखिरी बात भी सुन लो। इंद्रधनुष पर सिर्फ आसमान का ही हक है लेकिन इंसानों की नजर का नहीं, ये बात समझ लो। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हें इमैच्योर फेलो कहा करती हूँ। अब समझ में आया? हाँ आया बड़ा। प्यार करेगा मुझसे, शक्ल देखी है आईने में। देवी, 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 हम सब एक हैं, ऐसी भावना होनी चाहिए। प्यार को बांटना है, इंसानियत को बढ़ाना है,
ये सब करके दिखाया था गांधी ने, अंबेडकर ने। इन सबको अपना आदर्श बनाकर रखना चाहिए। अगर ये सब होगा तो ही हम सब में एक जैसी भावना आएगी। मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूं, तुम किस आदर्श व्यक्ति जैसा बनना चाहते हो? सर मैं सुभाष चंद्र बोस जैसा बनना चाहता हूँ। सर मैं भगत सिंह जैसा बनना चाहता हूँ। और मैं वीर बाहू जैसा बनूंगा। बिल्कुल सही कहा। जब तक जिंदा है वो मेरा है, अपना है, ऐसा सोचने वाले लोग मरने के बाद मिट्टी में ही जाते हैं। ऐसे लोगों को मुक्ति देने वाला व्यक्ति है वो महान वीर बाहू। सर उस वीर बाहू की बात नहीं कर रहा, अपने वीर बाहू की बात कर रहा। अरे वो पागल, उसने क्या किया है? सर वो कितना प्यार करता है आपको पता है? सर लोग जिससे प्यार करते उसका नाम हाथ पे लिखवाते, लेकिन उसने तो देवी का नाम अपने सीने पे लिखवाया है। ए, किस देवी की बात कर रहा है? और कौन सी देवी सर? अपने शास्त्री जी की बेटी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसने जिस दिन मुझसे कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है उसी दिन मैंने उसे थप्पड़ मार दिया था। मेरी बात मानो, ऐसे मामले में हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। वो वीरू देवी के मामले में अपनी हद पार कर गया है। आपकी बेटी को जो लड़का देखने आया था ना, उससे भी उसने झगड़ा किया था। तू उसे बुलाकर बात कर। हाँ, और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो? तू उसके साथ चाहे कुछ भी कर, लेकिन अगली बार वो मेरी बेटी से नहीं मिलना चाहिए। तो ठीक है शास्त्री जी, देखिए मुझे मटका फोड़ना भी आता है और सर फोड़ना भी। आप निश्चिंत रहिए, मैं हूं ना, सब देख लूंगा। आ, 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 भाग मत बाबूजी, मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी, सब कुछ बच्चों ने किया बाबूजी, भाग मत भाग मत, मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। उस लड़की के पास क्यों गया था बाबूजी? मैं आपको सच बताता हूँ, वो लड़की खुद आकर जो मुंह में आए बोलकर थप्पड़ मारकर चली गई मुझे। थप्पड़ मारी? ऐसा क्या किया तूने? अरे वो उस दिन कल्लम्मा के पास जाकर अपनी छाती पे मैंने देवी का नाम गुंदवाया था ना, बस वही उसे दिखा दिया। नालायक, ये उसका नाम है क्या? तेरी तो वो बच्चे लोगों ने लिखने बोला था। अरे तू और वो बच्चे मिलकर क्या कर दिया, कैसा गलत काम कर दिया रे तूने। अरे बाप रे, क्या बाबूजी? एक तो देवी मुझे डांट कर चली गई कि तुझे अकल नहीं है, और अब आप भी मुझे डांट रहे हो। इधर आ, इधर आ। मैं नहीं आऊंगा। हाँ क्यों, मारोगे आप? नहीं इधर आ। तो मारोगे नहीं ना? नहीं नहीं, आ जाना, इधर आ जा। देख बेटा, हम ना कड़ी पत्ता की तरह हैं, जब कोई चीज बनाते हैं ना तो उसमें खुशबू के लिए ही डालते हैं, समझ गया ना? लेकिन जब खाने पर बैठते हैं ना तो उसे निकाल कर किनारे फेंक देते हैं। अच्छा इंसान बनने के लिए ना योग्यता चाहिए बेटा। वही तो, वो भी तो तुम्हें योग्यता नहीं है, योग्यता नहीं है, ऐसा इंग्लिश में सुना कर गई। योग्यता का मतलब पैसा बे, पैसा, जेवर, बंगला और कपड़े, ये सब दिखावा। गुण नहीं बेटा, बेकार चीज है वो। देख, हम लोग जमीन पर खाना खाते हैं, वो लोग चांद पर खाते हैं। हाँ, लेकिन मरने के बाद ना हर इंसान को धरती पर ही आना पड़ता है। सभी आएंगे एक दिन। तो फिर हमें क्या करना होगा? हमें उनसे क्या लेना देना है बेटा? हाँ बेटा, बोल जा। हाँ, क्या है बाबूजी? देवी मुझे चाहिए। देख, भूल जाओ उसे, वो लोग मंदिर में रहते हैं, हम शमशान में रहते हैं बेटा, कैसे जमेगा? उनसे जाकर बोलो दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर देंगे वो लोग, अच्छे लोग हैं, माफी मांग ले बेटा, कभी ऐसा मत सोचना, नहीं दोबारा नहीं सोचता बेटा, रो मत। नहीं 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 नहीं, जाएगा ना, जाएगा ना, जा 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 जा। बाबूजी, उनसे जाके क्या बोलूँगा? बोलना मुझे माफ कर, माफी मांग लेना, माफ कर दो, जा जा जा, माफ कर दो, माफ कर दो देवी, बाबूजी ने सिखाया मुझे, माफ कर दो, माफ कर दो। Thank you.
देवी ठीक है, जाकर उसके घर वालों को ले आओ, जाओ। नरसिम्हा भाई आपको जल्दी से मंदिर में बुलाया है। आइए आइए जल्दी आइए, चलो 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 भाई चलो जल्दी जल्दी चलो चलो चलो। तू कहाँ जा रहा है? दर्शन करने आया हूँ। चल निकल यहाँ से, दरवाजा बंद करो। देवे सुनो ना, मुझे माफ कर दो, बाबूजी ने कहा है तुमसे माफी मांगने को, मैं मरते दम तक तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। देवी मुझे माफ कर दो, देवी मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो देवी। क्या कर रहे हो? माफ कर दो देवी। ये क्या पागलपन है? अच्छा सुनो, यहाँ देखो, बचपन में जब मैं गाँव छोड़कर गयी थी तब से आज तक तुम वैसे के वैसे ही हो। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है पर तुम्हारा दिमाग नहीं बड़ा वीरू। तुम बहुत अच्छे हो वीरू, पर तुम ऐसे ही रहोगे तो सारे गांव वाले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। सुनो मेरी बात सुनो, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, मेरे लिए कोई और भावना अपने मन से निकाल दो। मेरा बेटा अंदर है। चलो 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 चलो, एक बार माफ कर दिया ऐसा बोल दो ना। मैंने माफ कर दिया है, मेरे बाबूजी मुझे मारेंगे। अच्छा अब रोना बंद करो, चुप हो जाओ। बाबूजी ने कहा कि तुम्हारी मेरी जोड़ी नहीं हो सकती। अरे वीरू चुप हो जाओ। अरे जल्दी आइए शास्त्री जी। माँ क्या हुआ, क्यों हम सबको यहाँ इतनी जल्दी जल्दी बुलाया? अरे रे रे, मैं कैसे बताऊँ, किस मुँह से बताऊँ आपको शास्त्री जी। हा? हा? मैंने उस कमीने को बुलाकर अच्छी तरह समझाया लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। देखिए वो अंदर है, आपकी बेटी भी अंदर है शास्त्री जी। हा? तुमने बचपन में बोला था ना ऐसा नाम लिखवा लेना, तो मैंने लिखवाया। तुम्हारा नाम मैंने गुदवा देवी, तो मेरे बाबू जी ने मुझे बहुत मारा देवी। अंदर वो लोग दो घंटे से हैं शास्त्री जी, दो घंटे से। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे कमीने, ये सब तेरे बेटे की वजह से हुआ है। अरे भाई इन्हें बोलो दरवाजा खोलने के लिए। चलो चलो भैया आप चिंता मत कीजिए। अरे क्या कर रहे हो तुम, बैठे ही आई आई। अरे देखो ये क्या हो रहा है। अरे रे रे रे, सब आओ सब आओ, देखो देखो मंदिर के अंदर क्या चल रहा है। आओ भाई आओ जल्दी आओ, देखो यहाँ पर रासलीला चल रहा है। अरे रे रे, क्या जमाना आ गया है। अरे शास्त्री जी आप अपने आप को संभालिए। तू इधर आ। अरे तू नीचे बैठ। तू इधर आ, आजा आजा। अरे चला। अरे आँख ही नहीं रहा है, चला बाहर बाहर आ जा। पिताजी आप यहाँ क्यों आ गए? तेरी इतनी हिम्मत, पहले तुम घर चलो बेटी। वीरू को क्यों मार रहे हैं? मैं तुझे नहीं छोडूंगा। चलो 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 बेटी। शमशान में लाशों की रखवाली करने वाले, तुझे मेरी बेटी चाहिए? चुप कर, निकल यहाँ से। तुझे मेरी बेटी चाहिए। सगुना छोड़ रहा मत उसे। शास्त्री जी की बेटी से बात कर रहे हैं। छोड़ना नहीं, ले जाओ इसे, ले जाओ इसे। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप?
सीधे सीधे चल 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 अंदर चल अंदर चल अंदर चल अंदर चल अंदर आइए आइए देखिए मारिए इसे आप भी मारिए मंदिर के अंदर ये पाप कर रहा था मारिए इसे निकलो यहाँ से। बाबूजी मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। बाबूजी मैंने कुछ नहीं किया। हीरो। 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 सर आप जानते हैं इसने क्या किया है? कर पुलिस वाले हम हैं ना? Hey! Hey, और तेरी तो और सुनो चल hey, तू अभी तक सुधरा नहीं हाँ सबक सिखाना ही पड़ेगा तुझे हाँ बोल क्या किया तूने कुछ नहीं किया हाट इसे पकड़ो पकड़ो इसे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना उन सब लोगों ने मान लिया कि मैंने गलती की है कभी कभी हम गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं ऐसा बाबू जी ने कहा था उस दिन वहाँ के लोगों ने मैंने गलती की है या नहीं की है ये पूछा भी नहीं और मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ इसका फैसला कर दिया बहुत बड़ा बदनसीब हूँ मैं ठीक है तो आप रो क्यों रहे हो अब चाय पियोगे गरीबों की आवाज कभी कभी भगवान को भी सुनाई नहीं देती है इसलिए धरती पर कानून नाम की चीज होती है मैं सच कह रहा था लेकिन कानून आंख से देख नहीं रहा था और ना ही कान से सुन पा रहा था लगता उसे प्यास लगी है जाओ रे पानी दे दो उसे जाओ साहब प्यास लगी है साहब साहब पानी दे दो साहब ले पी क्या परेशानी है इसकी तो ए लॉकअप कॉल तू कौड़ी का आदमी शास्त्री की बेटी से प्यार करेगा तू गली का भिखारी और हिम्मत देखो इसकी महल के ताज को पहनना चाहता है ये उस लड़की को भी कोई दूसरा आदमी नहीं मिला जो इस दो कौड़ी के आदमी को प्यार कर रही है पक्का कैरेक्टर खराब है उसका चाहे मुझे कुछ भी कह लो देवी के बारे में कुछ बोलोगे तो क्यों बे बड़ी पवित्र है वो बोलना अरे वैश्या है वो वैश्या Oh!
पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों पर हाथ उठाएगा तू? तेरे माँ बाप का, तेरी जाति का, तेरे धर्म का कुछ भी पता नहीं है कमीने, तू मरने के बाद लोगों को दफनाता है, मैं तुझे जिंदा दफना दूंगा। जाकर अंदर डालो इसे। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है। बेटा ये क्या हाल हो गया है? ये क्या कर दिया तुम्हारे साथ इन लोगों ने बेटा? साहब इसने कुछ नहीं किया, साहब इसने कुछ नहीं किया। इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो साहब? मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। चल पीछे चल, चल चल चल, छोड़ो। अरे तुम्हारे भी इंसानियत है क्या? उसे दंगा करके क्यों मारा इतना तुम लोगों ने? लड़की के साथ गलत करने की कोशिश की, वो भी मंदिर के अंदर। और इतना ही नहीं, पुलिस स्टेशन के अंदर इसने पुलिस वाले पे हाथ उठाया, ये देखो। और इतना ही नहीं, इसने पुलिस थाने से भागने की कोशिश भी की। मैं यकीन नहीं करूंगा, ये सब झूठ है, झूठ बोल रहे हो तुम। अब सच क्या है तू मुझे बताएगा? कोई बड़ा आदमी गलत करता है तो उसे अंदर करने की ताकत नहीं होती है तुम्हारे? ताकत के बारे में बात करेगा तो तुझे भी अंदर डाल के ठोक दूंगा, समझा? घूर क्या रहा है मुझे? घूर क्या रहा है तू? हाँ घूरेगा मुझे, घूरेगा। निकल यहाँ से, भाग। दोबारा दिखाई मत देना, भाग। जाता है कि नहीं, जा। वीर बाहू, बाहर निकल, चले जाते हैं कहाँ कहाँ से। Police down down, 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 police down down. क्या हुआ भाई? हम जहाँ रहते हैं वो शमशान है या ये शमशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। Police down down, police down down, police down down, police down down. ए मूर्ति इधर आओ। सर पेपर्स में साइन ले लो इनसे। ठीक है सर। पर पिताजी इसमें वीरू की कोई गलती नहीं है पिताजी। सही गलत क्या है साहब, देख लेंगे। तुम साइन करो, सही है ना सर? आप साइन कीजिए। लेकिन साइन क्यों करना? तुम चुपचाप साइन करो। देखिए मैडम, अगर उसे आपको बाहर छोड़ना है तो रिपोर्ट पे साइन करना ही होगा, क्योंकि पेपर्स हमें कोर्ट में पेश करने होंगे। कर दीजिए सर। सगुना तू जरा चुप रहेगा। देखो बेटी, ये कानून के आदमी हैं, ये जैसा कहते हैं वैसा करो बेटी। एक बात बताओ, तुमसे हाई पोस्ट पर मैं हूं, मैं छुट्टी नहीं लेता और तुम लोग हमेशा मुझसे छुट्टी मांगते रहते हो, कैसे काम चलेगा पुलिस थाने के अंदर? पिछले महीने छुट्टी ली थी, फिर से छुट्टी मांग रहे हो तुम मुझसे? क्या बात है? उसे कपड़ा देना है सर। ओहो, तुम्हारा गोरा बेटा कपड़ा नहीं पहनेगा तो काला हो जाएगा, है ना? कपड़े ले लो और संभाल के रखना, शोरूम से लेकर आए हैं। नहीं साहब। हाँ, तो फिर लाश कल आए। देवी? वीरू क्या हुआ बेटा, देवी आई थी क्या? नमस्ते मालकिन। एक बात कहनी थी आपसे। शरीर में कहीं दर्द होता है तो आंखों के आंसुओं से पता चल जाता है मालकिन। शरीर तो वीर बाहू का है मगर आंखें इस समावस का है बेटी।
उसके बारे में कुछ बात मत कीजिए। मालकिन मालकिन बात सुनो मालकिन, इतना गुस्सा शरीर के लिए अच्छा नहीं है मालकिन, इतना अन्याय किसी अनाथ के साथ ठीक नहीं है मालकिन। मेरा नाम ही अमावस है लेकिन दिल में बहुत उजाला है मालकिन। देखिए मालकिन मालकिन, इतनी जल्दी भी क्या है, देखिए जिंदगी में पहली बार शमशान छोड़कर मंदिर के सामने खड़ा हूँ मालकिन। इंसान से पहले धरती बनी थी इसीलिए वो सब कुछ शांति से सब्र कर लेती है। हमारा वीर बाहु तुम्हें धरती माँ समझता है। हाँ मालकिन, उसकी सांसों में देवी देवी के सिवा कुछ नहीं रहता। लेकिन तुम उससे ही प्यार करो ऐसा मैं नहीं कहता हूँ मालकिन, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसे इस तरह से मरने के लिए भी मत छोड़ो मालकिन। उस दिन मंदिर में जो कुछ हुआ वो सब नरसिम्हा की वजह से हुआ था। देखो मालकिन, हमारा वीर बाहु अंधेरे में चांद की तरह है। भगवान ने उसे गोरा तो नहीं बनाया लेकिन उसका दिल बिल्कुल दूध की तरह गोरा है। आखिरी बार आपसे कह रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। अगर आप मरेंगी तो रोने के लिए आपका पूरा परिवार रहेगा वहाँ, लेकिन तुम्हारे लिए मरने वाला इस दुनिया में सिर्फ वीरबाहु है। दिल के बजाय अगर पहनावा देखेंगी तो ये आपकी बदनसीबी है मालकिन। आपको प्यार करने वाले बहुत मिलेंगे मालकिन, लेकिन वीरबाहु जैसा कोई नहीं मिलेगा। क्या भाई, जब वो भगवान उसे स्वयं नहीं बदल पाए तो फिर इसका विभूति क्या बदलेगा? क्या रे साधु, किस मिट्टी का बना रहे तू? आया है गोबर बनके, उसे दीवार पे थापा जाता है, उसे जलाकर विभूति बनाकर शरीर में लगा लिया, यहाँ बैठ करके बच्चों को बिगाड़ता रहता है। दूंगा एक बस, साधु बनके सबको लूटता रहता है, सिर्फ बच्चों को बिगाड़ रहा है। तुझे ना देख लूंगा मैं, विभूति लगाएंगे। सुनिए जी, आपने तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी है, पर छूटने के बाद वो फिर से देवी को परेशान करने आ गया तो? फिर से वो यहाँ आएगा तो ही तकलीफ होगी ना। आपका मतलब क्या है? कहीं आपने ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं कोई कसाई हूँ क्या? उससे हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस यही पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई है मैंने। लेकिन उस इंस्पेक्टर ने उसके ऊपर 10-20 केस लगाकर उस लोफर को बल्लारी जेल भेज दिया है। 8-10 साल की सजा होगी। अच्छा है, पड़े रहने दो से वहां, और उसके आने तक अपनी देवी की शादी हो जाएगी और बच्चा भी हो जाएगा और तुम नानी भी बन जाओगी। पिताजी, आपने इस बात को झुठला दिया कि आप मेरे आदर्श हैं। देवी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? 100 झूठ बोलने के बाद किसी का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल होता है पिताजी, लेकिन एक झूठ बोलकर किसी का भरोसा तोड़ना बहुत आसान होता है। माँ मतलब सच्चाई, बाप मतलब भरोसा, यही सिखाया था ना आपने? लेकिन आज क्या हुआ, सच और भरोसे ने मिलकर एक जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ये सोचकर मुझे खुद पर घिन आ रही है। आपके अपने दिल में इतनी ज्यादा कपट है और आप गांव वालों को सबक सिखाते हैं, ऐसे में आप क्या किसी का इंसाफ करेंगे? भगवान के सामने जिस मन से पूजा करते हैं ना आप, वो भगवान इस मन की सच्चाई को अच्छे से जानता है। उस अमावस का कहना ही बिल्कुल सच था, लेकिन मैंने ही उस पर भरोसा नहीं किया, गलत इंसान पे भरोसा किया, आपके झूठ पर भरोसा कर लिया। अपनी ज़बान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। सही कहा, बिल्कुल सही कहा, आप मेरे पिता हैं, लेकिन अपनी बेटी के साथ न्याय करने में आप असफल रहे हैं पिताजी। एक बात याद रखिएगा, धोखा देना गलत बात है और भरोसा दिलाकर धोखा देना, उसकी तो कोई माफी भी नहीं होती। आपने जो किया है पिताजी, किसी और के साथ मत करना, अपनी बेटी के साथ किया काफी है। किससे मिलना है? वीर बाहु,
जाओ वहाँ पे खड़े हो जाओ। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा साहब। जाओ साहब से मिल लो, नहीं तो तुम्हें भी सुनना पड़ेगा, मुझे भी सुनना पड़ेगा। ए, वहाँ क्या देख रहे हो? इधर आओ। साहब साहब साहब। अरे मैं साहब नहीं हूँ, साहब अंदर बैठे हुए हैं। अरे भगवान, उन्होंने क्या गलती कर दी? वो क्यों गलती करेंगे? मैंने ऐसा कहा कि वो अंदर ऑफिस में बैठे हुए हैं। तुम कौन हो? मैं अमावस हूँ। मैं पूर्णिमा हूँ। आपकी हंसी देख कर ही लग रहा है आप ऐसे हंसते हंसते ही नौकरी करते हैं क्या मालिक? इसने क्या गलती की है हमें क्या पता? यहाँ सारे क्रिमिनल को हमें झेलना पड़ता है। उन लोगों का मेडिकल चेकअप से लेकर सब कुछ होने तक हमें अपने बीवी बच्चों को छोड़कर इन सब की पहरेदारी करनी पड़ती है। इस गैप में दो तीन बच्चे पैदा कर लेते हैं ना आप? वो तो करना पड़ता है। अच्छा ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? आपके साहब के जैसा मेरा वीर बहु भी अंदर ही है साहब। बाबूजी, बाबू, वीरू, आजा। बाबूजी, कैसा है बेटा? कैसा है? अच्छा है ना? ये ले। काका जी, बाबू जी। नमस्कार। नमस्ते। ये यहाँ से कब निकलेगा? क्या पता मुझे। देवी मिली थी क्या? मिली थी बेटा। वो यहाँ आएगी ना? आएगी बेटा, आएगी। उस बेचारी को कुछ भी पता नहीं है। मैंने उसे बताया तो उसे पता चला, उसे कुछ भी पता नहीं था बेटा। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा था ना देवी की इसमें गलती नहीं है। बाबू जी, मैं चलता हूँ बेटा। अगली बार आऊंगा तो तुम्हें लेकर के जाऊंगा बेटा, ठीक है? टाइम हो गया, चलो बाहर आओ। आता हूँ सब आता हूँ। ध्यान रखना, बेगुनाह है ये। जाता हूँ बेटा, फिर आऊंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना बेटा। तुम फिर कब आओगे बाबू जी? बताओ ना फिर कब आओगे बाबू जी? जा रहे बाबू जी, जा रहे। आपसे एक मदद चाहिए थी। हाँ बताओ, कैसी मदद चाहिए? आपको देखकर ऐसा लगता है आप बहुत अच्छे आदमी हैं। प्यार की बहुत इज्जत करते हैं आप ना? प्यार के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ऐसा ही कहकर मेरा बेकसूर बेटा वीर बाहु अंदर चला गया है। सिर्फ फर्क इतना है कि उसने सफेद कपड़े पहने और आपने खाकी। क्यों रे, तू मुझे उसकी तरह समझता है क्या? गलती हो गई है साहब, गलती उसकी गलती है कि उसने एक लड़की से प्यार किया। सिर्फ यही उसकी गलती है साहब, बाकी और कुछ नहीं। तो फिर? तो साहब पैसा रख लीजिए। क्यों रे, तू मुझे रिश्वत दे रहा है क्या? वरना मारूंगा डंडे से। अरे रे रे, क्या बात है साहब, क्या बात है। जेल का मतलब भ्रष्ट लोग, बेईमान लोग, चोर लोग रहेंगे ऐसा सोचा था। पैसा देने पर संसार भी बसाने देते हैं। लेकिन साहब, खाकी में रिश्वत नहीं लेने वाले आप पहले इंसान है मेरी नजर में। जेल में रहने वाले सारे लोग बुरे होते हैं, समझ रहा है क्या? क्या साहब, आपके सामने कैसे कहूँ मैं। आप जैसा ईमानदार हो तो किसी भी जेल में, सच कहता हूँ, सीमेंट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गट्स गट्स डाल सकते हैं साहब। जरा उसका ख्याल रखिएगा साहब। तू बिल्कुल चिंता मत कर, चल जा साहब। वो बेगुनाह है साहब, भगवान उसके साथ है। हे वीरबाहु, जिंदगी में प्यार बहुत ही खास चीज है और तुमने सब बर्बाद कर दिया। दिल को बहुत दुख हुआ है। बैठो बैठो बैठो, तुम्हें चाहने वाला दिल वहाँ जेल में सड़ रहा है। बैठो 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 बैठो, आराम से बैठो 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 बैठो। तुम खुश हो ना? ऐसे ही खुश रहना है। वीरू कैसा है? अरे वो कैसा रहेगा, एक बड़ा सा रूम दिया है उसे, हर एक रूम का एक नंबर है, उसी में से एक नंबर उसे मिला है। वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले सबको सैल्यूट मारता है, अच्छे से खाना खाता है। आजकल थोड़ा मोटा हो गया है वो। उसे देखने का मन कर रहा है? नहीं मालकिन। लेकिन क्यों? तुम्हारे एक साइन की वजह से वो ये गांव छोड़कर चला गया। अब तुम उस पे नजर डालोगी तो ये दुनिया ही छोड़कर चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यही बात उसे भी बतानी है। किसी भी तरह मुझे उसे बाहर लाना ही है, तभी मुझे शांति मिलेगी। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। भगवान भगवान, पास रहने वाले को दूर कर देते हो, दूर रहने वाले को पास कर देते हो, गजब हो तुम भी। मालकिन देखिए, आप बड़े लोग हैं, अगर दरवाजे के बाहर आए तो आपके पिताजी गलत कहते हैं उस बात को, आप तो जानती हैं। अगर आप जेल जाओगी तो आपके पिताजी छोड़ेंगे हमें? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक पता देता हूँ, उसमें लिख करके चिट्ठी डाल देना आप, ठीक है ना? लिख देना चिट्ठियाँ, तुम महलों की रानी, वो गलियों का राजा। तुम महलों की रानी, वो गलियों का राजा।
कहा तुम्हारा राजपाट, कहा वो शमशान का मारा, तुम मेलों की रानी वो। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग मुझे पुलिस कांस्टेबल समझते हैं या फिर पोस्टमैन समझते हैं जो अपनी चिट्ठियां मुझसे पहुंचवाते रहते हैं। इस दुनिया में पैदा हुआ हूं तो मैं किसी की हेल्प करूं ऐसा सोचता हूं, लेकिन इन लोगों ने तो मुझे प्रेम पत्र पहुंचाने वाला कबूतर बना दिया है। वीरू वीरू ये देखो तुम्हारी चिट्ठी आई है। बाबूजी ने लिखी होगी। हाँ, भेजा तो अमावस नहीं है लेकिन लाया पूर्णिमा है। अरे किसी अमावस ने नहीं दिया, किसी देवी नाम की लड़की ने दिया है। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा। वीरू मुझे माफ कर दो, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर चाहे 100 अपराधियों को सजा क्यों ना मिले, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए यही कानून मानता है। और तुम्हारे साथ मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगी, तुम धीरज रखना। देवी देवी आएगी ना? आज तो उसका सिर्फ दिल आया है, कल वो भी जरूर आएगी। क्यों भाई, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है? क्या पता है? तुम कभी कभी बाहर जाते हो, दुकान जाते हो, अपनी जीजा से छुप छुप कर पीते भी हो, मुझे पता है। हेलो, क्या कहा? हेलो हेलो, कौन हो? मैं हूं। अरे तुम्हारी आवाज कट रही है, कौन हो? हा? तुमको ये सब किसने बताया? हाँ ये सब झूठ है। देवी को फोन दो। निमी तुम्हारी दीदी को फोन दो। दीदी दीदी। हाँ दीदी, फोन है। कौन है? एफएम से। एफएम से? हेलो, मैं अमावस बोल रहा हूँ बेटी, सर सर करके ही बात करता है उससे। वीरू को तुम्हारी चिट्ठी मिल गई है, उससे वो बहुत खुश हुआ है। मैं भी उससे बात करना चाहती हूँ सर, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। नंबर देता हूँ, बात कर लो। अरे ये मुझे पहचानती नहीं जानती नहीं, फिर भी मुझे भैया कहती है। अरे कानून इस बात को कैसे मानेगा, मेरा भाग्य ही ऐसा है, ऐसे ही लोग मिलते हैं। उस दिन वो बंदा आकर बात करके गया, उसके बाद एक लेटर आया और आज देखो तो ये फोन आ गया। कल अगर वो लड़की आकर यहाँ खड़ी हो गई तो पुलिस वाले को तो लोग मामा ही कहेंगे ना। इस बात में कोई संदेह नहीं है, इतने दिनों तक अधिकारियों की सेवा करता था, अब कैदियों की सेवा करनी पड़ रही है। आहा, कहाँ छुप कर बैठे हो परमेश्वर। हाँ ठीक है, देता हूँ, रुक जाओ। ए वीरू, तेरी वाली कुछ ज्यादा ही पंख फैला रही है, फोन आया है जल्दी बात करके रख देना, नहीं तो जेल में फोन की एंट्री कैसे हुई बोलकर मुझे सस्पेंड कर देंगे। देवी लाइन पर है, बात कर। देवी? हाँ रे बुद्धू, तेरी देवी, तेरी ही देवी है, बात कर। अरे इसे नाक के पास रखकर बात नहीं करते हैं, कान के पास रखकर बात करते हैं, ये ले बात कर। हेलो रहना। पिताजी, अरे ये क्या कर रहे हैं आप, जवान लड़की पे हाथ उठाते हैं। तेरी कर्म जली बेटी, उस जेल में रहने वाले भिखारी से मस्ती भरी बातें कर रही है, वो भी मेरे ही घर से। उस दिन प्यार नहीं करती हूँ ऐसा बोली थी ना, आज इसके दिल में उसके लिए जगह कैसे बन गई? कोई ऐसी लड़की में भरोसा कैसे करे? उस दिन तूने मुझसे क्या कहा था, मेरे इस कोमल मन के अंदर मुझे चाहने वाला, मुझे प्यार करने वाला मेरे पिता के अलावा और कोई नहीं है, और अब तू मुझे मेरी बेटी लग ही नहीं रही है, घर छोड़कर भागी लड़की लग रही है। सुनो, अब हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी से कोई अच्छा लड़का ढूंढकर इसकी शादी करवा देते हैं। दूल्हा कौन है जीजा जी? किसी से भी करवा देंगे, अगर कोई अच्छा लड़का नहीं मिला तो नरसिम्हा से ही करवा देंगे। कौन? उस बार वाले से? हाँ, उस भिखारी से तो बेहतर ही है नरसिम्हा। उस लड़के ने मेरे कपड़े फाड़कर मेरी बेइज्जती की थी। होने वाला पति तो है, मेरी इज्जत से ज्यादा वो जरूरी है। मुझे मेरे घर की इज्जत, समाज, संस्कार सब चाहिए, मगर इसे तुझे क्या? और कितने दिन आप इस झूठी मान मर्यादा के साथ जिएंगे? इन सब से बाहर आइए पिताजी। नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन ये सब मुझे मंजूर नहीं है पिताजी। अगर ऐसा है तो इस घर में कोई जिंदा नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा।
घर का बड़ा होकर घर की इज्जत बचाने की मेरी ही जिम्मेदारी है, इसीलिए मैंने तुमसे उस दिन मदद मांगी थी। आज एक लड़की का बाप होकर तेरे सामने सर झुकाकर खड़ा हूं। शादी के लिए कुछ मदद की जरूरत है क्या? अगर तुम शादी करोगे तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी बेटा। अब कौन मैं? मना मत करना बेटा। लेकिन कल अगर कोई आपसे कुछ कहा तो? उसे मैं जवाब दूंगा। सुनो, देवी की नरसिम्हा के साथ शादी हो रही है। कब रे? दिखा ला। अब ये बात हम वीरू को कैसे बताएंगे? अरे इसे भेज देते हैं। नमस्ते सर। वीरू, ए वीरू। साहब जी, देवी ने चिट्ठी लिखी है क्या? नहीं, भगवान ने लिखी है। आज के बाद तेरा मेरा ये खेल नहीं चलने वाला। देख, तेरे लिए ये आखिरी चिट्ठी आई है। ये क्या साहब, इतनी बड़ी चिट्ठी है? ये चिट्ठी नहीं है पागल, निमंत्रण पत्र है। देवी की शादी किसी नरसिम्हा के साथ हो रही है, इसीलिए आज के बाद इस कबूतर का काम खत्म। मैं चलता हूं। वीरू, वीरू, क्या हुआ? भैया, नरसिम्हा के साथ देवी की शादी हो रही है। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। काका जी, शादी के बाद वो देवी को लेकर बहुत दूर चला जाएगा ना। हाँ। हम सब शादी में जाएंगे। हाँ। क्योंकि ये मेरा नहीं है, उसका है, उसी को देना है। भाई, कुछ हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? उसकी शादी में जाना है, कोर्ट में ऐसा विनती पत्र देंगे तो वो जाने देंगे। वो नरसिम्हा कहा और वीरू कहा, हमारे यहाँ टैटू बनवाने के बहाने औरतों को परेशान करने वाला नरसिम्हा। लेकिन वीरू ऐसा नहीं है, वो तो हमारे यहाँ टैटू बनवाने ही आता है। उसने तुम्हारा नाम अपनी छाती पर लिखा है, दिल के पास। चलो हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, हटो हटो, पीछे हटो, चलो चलो, पीछे हटो, हटो हटो, खड़े रहो, यहाँ खड़े रहो। यहाँ पर वेंकटरमन शास्त्री कौन है? सर, जीजा जी। इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते। देवी की शादी में शामिल होने के लिए मैं वीर बाहू को लेकर आया हूँ। उस गली के भिखारी को मेरी बेटी की शादी में आप जेल से लेकर यहाँ क्यों आए? कोर्ट का ऑर्डर है, वी हैव टू फॉलो। ये सब क्या है? पुलिस यहाँ पर क्यों आई है? हाँ, वो वीरू कोर्ट से ऑर्डर लेकर देवी की शादी में आया है। हे भगवान, अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? सब तैयारी तो है ना? हाँ। चलकर पहले मंगलसूत्र बनवा देते हैं। चलो चलो। चलिए। पंडित जी, जल्दी से मंगलसूत्र बनवा दो। अच्छा अच्छा अच्छा, दुल्हन को जल्दी लेकर आइए। संभाल कर ले जाना इसे। चल चलो पीछे। इन सबको दूर हटाओ। हाँ हाँ सही है। हाँ सर, हम उसे यहाँ लेकर आए हैं। हाँ सर, निर्दोष है साहब। यस सर।
Hey, चलो हटो, क्या कर रहे हो, चलो हटो यहाँ से, जाओ जाओ। hey, मेरी बात समझ में नहीं आ रही, जाओ यहाँ से। अगर किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो उसका खून पी जाऊंगी मैं। चले जाओ, चले जाओ। वीरू ले जाओ उसे। वीरू, ए, ए, राजेश, राजेश। ओह गॉड। ए, पकड़ो उसे। इसके पहले कि पुलिस वाले आके तुझे पकड़ ले वीरू, तू भाग जा यहाँ से, भाग जा, भाग जा, भाग जा, वीरू भाग जा, जल्दी जा। सर, आई एम वेरी सॉरी सर, हम सब अलर्ट ही थे मगर उसने ऐसा कर दिया। सर, यहाँ का इंस्पेक्टर आ रहा है। हाँ सर, वो आ गया। हटो, हटो, मैं देखता हूँ सर। हटो, 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 पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। किसने किया ये सब? सर, वो लोफर है सर, क्राइम पर क्राइम करते जा रहा है, जेल से आकर एक खून करके गया है सर, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शास्त्री जी, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखिए, हम है ना सब संभाल लेंगे। उस कमीने को तो मैं जिंदा दफन कर दूंगा। ओ, तो तू यहाँ पे खड़ा है? सब, 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 मुझे, मुझे, बोल मुझे कहा है वो? बोल, कहा लेकर गया उसे? मेरे सामने झूठ बोलेगा तू? मैं बस बोल रहा हूँ, बता मुझे कहाँ है वो? मुझे कुछ नहीं पता साहब। नहीं पता? लेके जीप में डालो इसे, डालो इसे जीप में, मुझे पता नहीं है। जंगल में मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? शादी के बाद तुम उसके साथ दूर चली जाओगी ना देवी, इसलिए मैं ये तुम्हें देने के लिए आया था। तुम तो शादी के मंडप से भाग कर आ रही थी, उस समय नीचे गिर गई थी, तभी वहाँ के लोगों ने मुझसे कहा कि इसे लेके भाग जा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया देवी। बचपन में तुमने मुझसे कहा था ना कि इसे रख लो तो बुद्धि आएगी, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ इसलिए तुम्हें लौटाने आया हूँ देवी। चलो 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 चलो। देवी कहाँ चली गई थी? अब,
कहाँ चली गई थी तुम? ये लो खा लो, खा लो खा लो। थैंक्स। तुमने फिर से इंग्लिश में डांटना शुरू कर दिया। धन्यवाद कह रही हूँ मैं। अच्छा खाने में नमक मिर्चा तो ठीक है ना? खा लो खा लो। मदद की इसलिए? नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए। बाबूजी कहते हैं हम जैसे गरीब लोगों को भगवान के सामने जाकर रोज हाथ जोड़ने चाहिए, ना कि उनके सर पे बैठकर हमेशा उन्हें तकलीफ देनी चाहिए। भगवान हमसे माफी मांगे तो अच्छा नहीं लगता। तुम मुझसे जरा भी नाराज नहीं हो? नहीं तुम अच्छी हो। तुम्हें कोई कुछ कहता है तो मुझे उस पे गुस्सा आता है। तुम्हारी सारी मुसीबतों का कारण मैं हूँ वीरू। ए देवी ऐसा मत कहो, ये सब तो मेरी तकदीर है बस और कुछ नहीं। तुमने सब खा लिया क्या? नहीं बचा है, ये लो। नहीं नहीं तुम खा लो। मैं जब शमशान में रहता था तब 30-40 केले खा लेता था, लेकिन जब से जेल में था तब से 2 ही बार खाता था। मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा, मुझसे जबरदस्ती मत करो। वेंकट अगर तो ऐसा भूखा रहेगा तो कैसे चलेगा? ठीक है ठीक है। हाँ, हाँ, हमारी बच्ची के नसीब में क्या लिखा है क्या पता। गोपाल हाँ भैया, कुछ पता चला कि नहीं? सुगना इंस्पेक्टर से बात कर रहा है। हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। जीजाजी क्या है? यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर का फोन आया था, उन्होंने मुझे कहा है कि आज नहीं तो कल उसे वो जरूर ढूंढ निकालेंगे। बांध दिया तो तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा वीरू। तो फिर हमारी शादी होने के लिए माता पिता रिश्तेदार शहनाई बाजा ये सब तो चाहिए ना देवी? वो सूर्य हमारे पिता है, ये धरती हमारी माँ है और ये प्रकृति हमारे रिश्तेदार। वीरू तुम इसे बांधोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। तुम्हारी सुहागन होकर लड़ूंगी। तुम्हें अगर मरना तो मैं ये नहीं बांधूंगा। आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, बांध दो इसे। नहीं देवी नहीं बांधूंगा, नहीं बांधूंगा मैं। इंसान चाहे अंधा हो या गूंगा पर वो प्यार करता है। प्यार के लिए अच्छी बातें नहीं चाहिए, अच्छा खाना नहीं चाहिए, बस एक अच्छा दिल चाहिए। ये बात मुझे अब समझ में आई है वीरू। तुम नहीं वीरू, मैं मैच्योर हूँ। प्लीज इसे बांध दो, बांध दो, बांध दो। मुझे माफ कर दो वीरू, मुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी वीरू। I love you वीरू। मुझे मंगलसूत्र पहना दो वीरू। बांधो वीरू। आखिरी सांस तक मेरे साथ रहोगी ना? बांधो वीरू। यही कहीं होगा वो, थोड़ो से आओ। हाँ चलो चलो रुको। वीरू लेकर आओ उसे। चल चल। अरे रे वो लोग कहाँ गए हैं? आप लोगों को सब पता होता है फिर इस जंगल में क्यों बर्बाद कर रहे हो?
बचना नहीं चाहिए। चलो जल्दी जल्दी चलो। उस तरफ अरे छोड़ो मुझे, ये शर्ट फटी हुई है, क्यों इसे और फाड़ रहे हो? छोड़ो छोड़ो, चलो चलो मैं पीछे पीछे आता हूँ, कहीं नहीं भागूंगा। चलो जंगल का रास्ता पता नहीं और घुसा है जंगल में, चलो मैं बताता हूँ, चलो चलो चलो। अरे सर, वो उधर उधर सर, उधर 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 उधर, जल्दी सर, जल्दी जल्दी जल्दी, पकड़िए 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 पकड़िए, भाग गया। चल चल चल, मैं भी आता हूँ। जा जा जा, आता हूँ आता हूँ आता हूँ। पकड़ो उसे, पकड़ो, भगाओ और तेज। Hey, Vito!
चलिए पीछे हटिए, चलो पीछे हटिए, पीछे हटिए, चलिए चलिए पीछे हटिए, भाई से गेट बैक, चलिए पीछे पीछे चलिए, सामने से रास्ता दीजिए, अरे आराम से आराम से, पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ। अगर ऐसा है तो मेरी भी एक शर्त है, अगर आपको अपनी इज्जत बचानी है तो मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मेरे मरने के बाद मुझे जलाइएगा नहीं, मुझे दफनाइएगा। देवी ये क्या कह रही हो तुम, पागल हो गई है क्या? वो लड़का हमारी जाति का नहीं है, मैं ये सब नहीं जानती हूँ माँ। जलाने के बाद राख को नदी में बहा देते हैं आप लोग और फिर सब कुछ भूल जाते हैं, मुझे भी भूल जाएंगे, और दफनाएंगे तो याद रखेंगे क्या? हाँ, शाहजहां के बनाए हुए ताजमहल की कीमत है, क्योंकि उसमें मुमताज को दफन किया गया था माँ। राख बनाकर आप सब मुझे तो भूल जाएंगे, पर वीरो नहीं भूलेगा माँ, वो जरूर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, शायद एक प्रेमी की तरह नहीं पर मदद करने वाले एक दोस्त की तरह, माँ को ढूंढते हुए एक बच्चे की तरह, या फिर देवी का भक्त बनकर वो जरूर आएगा, तब मैं उसे नहीं मिलूंगी, क्योंकि समुद्र में राख ढूंढने जितनी ताकत नहीं है उसमें। अगर आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे तो ही मैं आपकी इज्जत रखूंगी। मेरी बच्ची दीदी, प्यार प्यार बोलकर तुमने अपने जीवन की बलि दे दी, मेरी बेटी बलि दे दी। उग्रप्पा, वीर बाहु इस लड़की को बहुत चाहता है, अगर वह जिंदा है तो यहाँ पर जरूर आएगा, हमें अलर्ट रहना होगा। अरे नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करिए मालिक, आप भगवान की सेवा करने वाले, मैं छोटा आदमी हूँ, ये गलत है। भगवान की सेवा ही बड़ी सेवा है, वही पवित्र काम है, यही सोचा था, मगर सच क्या है पता है? मंदिर में हाथ जोड़ने वालों का, मिट्टी में सोने वालों का, दोनों का मतलब एक ही तो होता है, हम भक्ति के नाम पर शक्ति देते हैं, तुम जिंदगी से मुक्ति देते हो, यहां काम क्या करता है वो मुख्य नहीं, जीने का तरीका मुख्य है,
मुझे ये सच जानने के लिए मेरी बेटी की उसके प्यार की बलि देनी पड़ी। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। शमशान में दफनाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते मालिक, जाइए आगे। Ha 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 ha
उस भगवान को मुझे देख के जलन होती है ऐसा लगता था, लेकिन नहीं देवी, वो तो दुनिया के सभी अच्छे लोगों से ही जलता है, अच्छा नहीं लगता उसे। मरते दम तक साथ रहूंगी बोला था, क्यों ऐसा किया तुमने, क्यों? तुम ही मुझसे परेशान हो गई। अरे मैं तुम्हें शमशान में मिला हूं, ये गलत है क्या? मंदिर में मिला होता तो तुम मुझे ले जाकर मेरे साथ शादी करती। इस गांव में गुंडे लोग जी रहे हैं, डकैत लोग जी रहे हैं, धोखा देने वाले जी रहे हैं। प्यार करने वालों का जीना गलत है क्या? वो लोग तुम्हारे साथ मुझे जीने नहीं देंगे तो क्या? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उस दिन तुमने कहा था कि मंगलसूत्र बांधो तो मेरी बीवी बन जाओगी। ये क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? छे, चलो मार दिया। आइए आइए सर। ये तुम्हारा क्या खेल है? बेटा, शिवा का बेटा, शास्त्री जी की बेटी, इस धरती को छोड़कर परलोक चले गए। ये फिर से जन्म लेंगे, 100 साल तक जिएंगे, ऐसी प्रार्थना करो। 3 दिन के बाद घी दूध का क्रियाक्रम है, आ जाना सब लोग।